जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पर आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि हाँ सर मेरे इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो गई है। कोई कह रहा था सर मेरा नाम गलत है, कोई कह रहा था सर मेरे 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो 12th में नहीं है, किसी का आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और 10th की मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा। कोई कह रहा था कि सर मेरे पेरेंट्स के नाम में कुछ गलती है, किसी के स्पेलिंग में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो किसी के सरनेम में कोई गलती हो जाती है, वो चाहे मम्मी का नाम हो या फिर पापा का नाम। दोस्तों ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको डीवी से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी कि बाहर किया जा सकता है। डीवी से बाहर होने का मतलब है कि आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से या मैं कहूँ कि कई महीनों से आप इसके पीछे लगे हुए हैं, वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी केवल आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो अब समस्या यहाँ पर यह है कि सर गलती तो हो गई है, डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए हैं, अब क्या उनको हम सुधार सकते हैं या फिर क्या कोई और रास्ता है जिसकी वजह से हम डीवी से डिस्क्वालीफाई ना हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए डीवी में, यानी कि डीवी हम पास कर लें अगर ऐसी छोटी मोटी कुछ गलतियां हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, जो गलतियां आप सभी लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझे बताया, अगर ऐसी कुछ गलतियां हैं, ऐसी कुछ समस्याएं हैं आपके पास में, तो इनको कैसे हम सही कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम सभी लोग सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो में ये पूरी बातें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आप सच में चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो समस्या है, आप परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कोई और भी बच्चा होगा वो भी आपके जैसा ही परेशान हो रहा होगा, तो उसको भी ये चीजें पता चल पाए कि हाँ डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अपने कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि हमको डीवी में कोई समस्या ना हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अपने इस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कैसे सही करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका डीवी होता है तो वहां पर क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं वो चीज मैं आपको बता दूं। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा। वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी चाहिए, बस बात क्या है कि यहाँ पर वो सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीजें वहां पर देखी जाती है, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो आपका एक पहचान पत्र हो जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल के लिए 12th ही मांगते हैं वो लोग। अब यहाँ पर इन मार्कशीट तो हमारे पास है, ठीक है, अब इनमें क्या होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही 10th के में भी होना चाहिए और वही 12th में भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका हाई स्कूल का मैच करना चाहिए, क्योंकि 12th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि सर आधार कार्ड में और मेरे 10th की मार्कशीट में नाम में थोड़ा सा कुछ अलग है, स्पेलिंग गलती है, या फिर जैसे सरनेम होता है ना, किसी का कोई मिश्रा होता है, कोई कुछ होता है, तो वो चीज नहीं होती, आधार कार्ड में लिखा है मार्कशीट में नहीं लिखा है। तो देखो आधार कार्ड को बहुत ही आसानी से अपडेट किया जा सकता है, आप अपने आधार कार्ड को अपनी मार्कशीट 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही करवा लो। तो ये तो हो गई आपका 10th और आपका आधार कार्ड यहाँ पर मैच कर जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी मैच नहीं कर रहा है तो उसको भी सही करा लो, जो 10th की मार्कशीट में आपका लिखा हुआ है वही एकदम सत्य है, वही माना जाएगा। अब मान लो 10th की मार्कशीट में और 12th की मार्कशीट में भी कुछ गलतियां हो गई आपके नाम में, ठीक है। अब वहां पर गलतियां क्या, देखो अगर बहुत कुछ ज्यादा गलती है कि आपका नाम बिल्कुल अलग हो गया, उसको आप ये वहां पर प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि हाँ सर मैं ही हूं, यहाँ पर नाम इतना अंतर है, फिर तो आपको कोई ना कोई चीज, चाहे आप 12th की मार्कशीट को सही कराओ या फिर 10th की मार्कशीट को सही कराओ, वो आपको सही करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, मान लो जैसे किसी का नाम राम है, 10th की मार्कशीट में उसका नाम RAMA लिखा हुआ है, 12th में RAM लिखा हुआ है, तो ये चल जाएगा, ये चीज आपकी चल जाएगी, इससे वहां पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये तो हो गई आपके नाम की बात। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि हाँ सर पेरेंट्स के नाम में, सरनेम में कहीं दिक्कत हो जाती है या उनके नाम में भी स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो चल जाएगा। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सरनेम में कोई मिस्टेक है, जैसे कमेंट किया था किसी बच्चे ने कि हाँ सर 10th की मार्कशीट में देवी लगा हुआ है और 12th में देवी नहीं लगा हुआ है, या फिर इसका उल्टा कह लो 10th में देवी नहीं लगा हुआ है, 12th में देवी लगा हुआ है। तो अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो देखो समस्या यहाँ पर यह होती है कि अगर उन्होंने इसको देखा और उन्होंने इसको माइंड किया, उनको लगा कि हाँ ये चीज गलत है, नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि सामने वाले बच्चा थोड़ा सा फ्रॉड टाइप का लगे कि हाँ हो सकता है ये वो नहीं है जो यहाँ पर लेकर के आया है, यानी 10th की मार्कशीट किसी और की है, 12th किसी और का है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें होती हैं, कॉमन है, सबके पास ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको वहां पर कैसे प्रूफ करना है कि नहीं सर ये दोनों मार्कशीटें मेरी हैं। अगर मान लो आपके मम्मी या पापा के सरनेम में कोई दिक्कत है तो जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपके पेरेंट्स का जो भी नाम है वही नाम उनके आधार कार्ड पर होना चाहिए। वैसा आधार कार्ड आप अपने पेरेंट्स का डीवी के टाइम पे लेके जा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि सर 12th में गलती हो गई थी, 10th की जो मार्कशीट है वो सही है, 10th में मेरे पेरेंट्स का जो नाम है वही देखिए सर उनके आधार कार्ड में भी नाम है, और सर ये सरनेम है, ये गलती की वजह से वहां पर हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहां पर पास हो जाओगे। ये हो गई बात 12th की। इसके बाद में कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हमारे जैसे जाति प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और फिर जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। इसको जब बनवाते हैं तो देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप जैसे किसी मान लो आप किसी लोकवाड़ी केंद्र पर गए, वहां पर आपने इसके लिए आवेदन किया कि हाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, वहां पर आपको आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम जो आपको याद है वो आपने वहां पर भर दिया। अब बात यह है कि सर याद होना और लिखना ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, हो जाते हैं कभी कभी। पता चला कि जब आपने फॉर्म भरा था हाई स्कूल का तो वहां पर आपने अपने पापा का पूरा नाम लिखा था, XYZ जो भी कुछ है, सरनेम सहित, लेकिन जब आपने अपना डोमिसाइल या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो वहां पर आपने सरनेम नहीं लिखा। तो ये चीजें मैटर करती हैं, वहां पर अलग हो जाएंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखो जब भी आप इन दोनों को के लिए आवेदन करो, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इनके लिए जब भी आप आवेदन करो 10th में जो भी नाम है उसको जरूर देख लो एक बार और वही चीज वहां पर लिखो, ताकि ये सारी चीजें जब एक जैसी हो जाएंगी तो अगर आपके 12th में थोड़ा सा अंतर है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये सारी चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी और डीवी से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका डीवी है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप बच सकते हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। किसी बच्चे ने कहा था कि हाँ सर मैंने बनवा लिया है 12th के नाम के हिसाब से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बनवा लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। आप 10th के हिसाब से उसको एक बार फिर से बनवा लो और ये सारी चीजें आप देख लो, अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड भी देख लो कि उनके आधार में उनका नाम क्या है। ये चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमको देखनी पड़ती हैं, क्योंकि तैयारी करना एक अलग बात है लेकिन डॉक्यूमेंट्स ही खराब हैं तो फिर हम वहां पर बैठ ही नहीं पाएंगे, आगे जा करके बाहर हो जाएंगे तो फिर वहां पर चीजें बहुत बुरी लगेंगी कि हमारी पूरी मेहनत खराब हो गई। तो वो चीज वहां पर ना हो, इसलिए उसके पहले ही हम क्या हो जाएं, सतर्क हो जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो आपको मिल गई होगी और आप समझ भी गए होंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे हमें सही करना है। फिर भी यदि कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमको कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई और दिक्कत होती है तो फिर उन सभी चीजों के सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको डीवी क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।